जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी डिफेंस पेंशनर्स का सैनिक समाचार इंडिया में एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने के सभी तरीके एक ही वीडियो में जानेंगे। आप सभी को पता है कि इस वर्ष में माइग्रेट होते ही आपको अपना जीवन प्रमाण यानी लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से इस वर्ष के पीपीओ नंबर के साथ में जमा करना पड़ता है। और जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप डिजिटली या मैनुअली कई तरीकों से स्पर्श के पीपीओ नंबर के साथ में अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना बहुत ही ज़रूरी है। माइग्रेशन होते ही आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट माइग्रेशन के 2 महीने के अंदर अंदर जमा करना है। तो आइए हम समझ लेते हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के कितने तरीके हैं और उसमें से जो आपको ईजी लगे उसके जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पीपीओ के साथ में ज़रूर जमा करें। हाल ही में आपने देखा होगा कि जिन्होंने पिछले साल यानी इससे पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श के साथ में एक बार जमा कर दिया है तो उनको दोबारा से मैसेज आने शुरू हो चुके हैं कि आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन यानी अगला जो आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है उसकी तारीख अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, जनवरी में ऐसे अलग अलग मंथ में जिसका ड्यू है वो डेट उनके SMS के जरिए उनके मोबाइल पर और ईमेल पर भेजी जा रही है। तो आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट तो जमा करना ही है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, शुरू से लेकर अंत तक देख लें ताकि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के सभी मेथड्स आपको पता चल जाएं। देखिए साथियों, सबसे पहले ये जो है PDF है सैनिक समाचार इंडिया द्वारा आप सबके लिए बनाई गई है। इसका जो सब्जेक्ट रखा हुआ है वो है एडवाइजरी ऑन सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट विथ स्पर्श PPO नंबर। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि इससे पहले आप जब अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए जाते थे तो आप लाइफ सर्टिफिकेट EPPO नंबर के साथ में जमा करते थे। अब जान लेते हैं लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के सभी तरीके। सबसे पहला जो तरीका रहेगा वो रहेगा थ्रू जीवन प्रमाण वेबसाइट, और आप यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लें, https://jeevanpraman.gov.in। आप गूगल में jeevanpraman.gov.in वेबसाइट को टाइप करने के बाद इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इस PDF को डाउनलोड यदि अपने मोबाइल में करके रखते हो तो यहाँ पे आप जीवन प्रमाण के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे और ओपन पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर जीवन प्रमाण की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब जीवन प्रमाण की वेबसाइट के जरिए भी आपको 3 तरीके मिलेंगे। मेथड 1 जो कंप्यूटर के जरिए कर सकते हो, मेथड 2 जो आप एंड्रॉयड मोबाइल से RD डिवाइस के साथ में कर सकते हो, और मेथड 3 आपको RD डिवाइस की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप आधार फेस RD यानी अपने चेहरे को दिखाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन स्पर्श में जमा कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हम जान लेते हैं कि आपको यदि कंप्यूटर से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। इसके लिए साथियों, सबसे पहले आप जीवन प्रमाण की वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में खोल लेंगे, जो कि नीचे यहाँ पे आपको एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट ए सर्टिफिकेट, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको फर्दर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आएगा PC, जिसमें Windows 7 और अबव होना चाहिए और आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम 32 and 64 bit होना चाहिए। उसके बाद आप वहां पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें और कैप्चा पे एंटर करते हुए आप ओके करें। ओके करने के बाद जो ईमेल एड्रेस आप डालोगे उसके ऊपर एक OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो एक लिंक आपके ईमेल के ऊपर भेजा जाएगा, ये डाउनलोड लिंक होगा। अब आप अपने ईमेल को ओपन कर लें और वहाँ पे जीवन प्रमाण इंस्टॉलर करके नाम से एक लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। आफ्टर डाउनलोड ओपन द फोल्डर, जब ये आपके डाउनलोड हो जाएगा तो वहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, उस फोल्डर को ओपन कर लें और उस फोल्डर में आपको जीवन प्रमाण इंस्टॉलर 3.7.3 लाइव करके एक फाइल मिलेगी। उस फाइल को आप अपने कंप्यूटर पर रन कर लें और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। आपको इसके लिए मोर्फो RD डिवाइस रिक्वायर्ड होता है, ये जो फिंगर और थंब स्कैनर होता है वो मोर्फो कंपनी का आपको अपने कंप्यूटर के साथ में अटैच करना पड़ेगा। अब जब आपकी जीवन प्रमाण ऐप
कंप्यूटर में या डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपको डेस्कटॉप पर जाके जीवन प्रमाण ऐप को ओपन करना है और उसके ज़रिए आप अपना आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म कर पाएंगे। जब आप इस जीवन प्रमाण ऐप को ओपन करेंगे तो वहाँ सबसे पहले आपको अपना ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन करना है, उसके बाद आपको पेंशनर ऑथेंटिकेशन करना है। इसके लिए अगेन जो आपको मैंने बताया कि मोर्फो आरडी यानी रजिस्टर्ड डिवाइस चाहिए, जिससे आपको अपना फिंगर या थंब स्कैन करना होगा। इसके बाद जीवन प्रमाण विल बी सबमिटेड डायरेक्टली टू स्पर्स और पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी। इसके बारे में यदि आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए कि लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करना है, तो नीचे आपको यूट्यूब वीडियो का लिंक मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर दें। आपको लाइव सर्टिफिकेट जमा करने के कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव डेमो के साथ में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो भी वीडियो आपको सूटेबल इसमें लगता है उस वीडियो को देखें और साथ ही साथ अपना डिजिटली जीवन प्रमाण वेबसाइट के जरिए लाइव सर्टिफिकेट जमा कर दें। अब मेथड वन यहाँ पर आपका कम्प्लीट होता है, अब चलेंगे हम मेथड टू में। मेथड वन था कंप्यूटर या पीसी या डेस्कटॉप के लिए और मेथड टू है प्योरली फॉर एंड्रॉयड मोबाइल के लिए। इसमें भी आरडी डिवाइस आपको चाहिए होगा। तो गेट ए सर्टिफिकेट तक आपका प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन उसके बाद जैसे आप पीसी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 5.0 एंड अबोव के ऊपर क्लिक करना है। अगेन आपके ईमेल के ऊपर लिंक आ जाएगा, लेकिन जो फाइल डाउनलोड होगी जीवन प्रमाण की वो होगी लाइव सर्टिफिकेट वर्जन 3.7.3.apk। और इधर आपने देखा होगा कि 3.7.3 लाइव वाली फ़ाइल को आपने इंस्टॉल किया था, यहाँ पे आपको apk.apk वाली फ़ाइल को इंस्टॉल करना है। मोर्फो रजिस्टर्ड डिवाइस है जो साथ में आपके मोबाइल में लगा हुआ होना चाहिए। इसके बाद जीवन प्रमाण एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी, उसको ओपन करना है और अपना आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करना है, जिसमें अगेन जो आपने कंप्यूटर में जो किया था पहले आपको ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन करना है, उसके बाद पेंशनर का ऑथेंटिकेशन करना है और इस प्रकार आपका जीवन प्रमाण है जो स्पर्श और पीडीए के साथ में ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। सेम अगेन नीचे आपको वही वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे, आपको ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अब साथियों मोस्ट पॉपुलर जो मेथड है लाइव सर्टिफिकेट जमा करने का, जिसमें आपको अपना आरडी डिवाइस भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप आरडी डिवाइस खरीदने के लिए जाते हैं तो 3 से 4 हज़ार रुपये लगते हैं। यदि उसको खरीदने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती है या आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो हमेशा तीसरे मेथड के ऊपर जाएं। ये इस मेथड में आपके पास में एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें आपको जो यहाँ पे आरडी डिवाइस यूज करते हो उसकी जगह आपको गूगल प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल में सबसे पहले इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद अगेन आपको जो सेम प्रोसेस आपने पीछे देखा था कि जीवन प्रमाण की वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद गेट ए सर्टिफिकेट करना है, एंड्रॉयड 5.0 एंड अबोव करना है, ईमेल एड्रेस और कैप्चा एंटर करना है, उसके बाद आपके ईमेल के अंदर जो ओटीपी आएगी वो एंटर करके सबमिट करना है, एक डाउनलोड लिंक आपके ईमेल पे भेजा जाएगा, वहाँ से आप जीवन प्रमाण इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लें। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद में उस फोल्डर को ओपन करें। ओपन करोगे तो आपको सेम .apk की जो एक फ़ाइल मिलेगी उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जो जीवन प्रमाण ऐप ही होगी उसको आप ओपन करें। ओपन करके सेम प्रोसीजर रहेगा कि परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन करें। यहाँ पे जो आपको थंब और फिंगर स्कैन करने का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे आपको फेस स्कैन करने का, अपना चेहरा स्कैन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप जब आपसे ऑप्शन पूछा जाए तो आप अपने मोबाइल को बिल्कुल स्ट्रेट चेहरे के सामने रखें, अपने आँखों को ब्लिक करें और आँखों को थोड़ा ज़्यादा खोल कर रखें। इससे आपकी जो डिवाइस होगा मोबाइल कैमरे से आपकी आँखों को का आइरिस कैप्चर करेगा और ये कैप्चर करने के बाद में आपका तुरंत ही लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। जो आधार फेस आरडी के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करना, इसके लिए स्पेशल 2 यूट्यूब वीडियो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इन दोनों में से आप किसी भी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करके आधार फेस आरडी के जरिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श पीपीओ के साथ में कैसे जमा करना है कि ये प्रॉपरली स्कैन कर सकें। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखिए, इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसको देखने के बाद में आपको
आधार फेस आरडी के साथ में अपना लाइव सर्टिफिकेट जमा करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो साथियों यहाँ तीन मेथड मैंने आपको बताया, जीवन प्रमाण वेबसाइट के जरिए अपना लाइव सर्टिफिकेट जमा करने के, इसके अलावा भी आप लाइव सर्टिफिकेट कई अन्य तरीकों से जमा कर सकते हैं। तो अगला सेकंड तरीका हम जानेंगे, मैनुअल लाइव सर्टिफिकेट थ्रू स्पर्श लॉगिन। स्पर्श में लॉगिन करके भी आप अपना लाइव सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ में स्पर्श में लॉगिन करें और इन चारों वीडियो में आपको स्पर्श के थ्रू मैनुअल लाइव सर्टिफिकेट कैसे जमा करना है उनका तरीका देखने को मिलेगा। आप वीडियोज़ को ओपन कर लें, एक साइड अपना वीडियो को चलाते रहें, दूसरी तरफ अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में मैनुअल लाइव सर्टिफिकेट जमा करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद तीसरा आपको तरीका मिलेगा, डिजिटल लाइव सर्टिफिकेट थ्रू स्पर्श लॉगिन। स्पर्श में लॉगिन करके आप मैनुअली और डिजिटली दोनों तरीके से अपना लाइव सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस यूट्यूब वीडियो के लिंक में इसको आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन करने से ये YouTube में ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप इसको देख के जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है उसको भी स्पर्श लॉगिन के जरिए सबमिट कर सकते हैं। अब चौथा तरीका है, वो है, ये तरीका नहीं बोल सकते, इसको मैं कहूँगा कि जो आपका मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट होगा उस मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर जो ऑथराइज ऑफिशियल्स है वो कौन कौन है, किनके द्वारा आप साइन करवा सकते हैं, उनके बारे में जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अब चौथा तरीका जो लाइव सर्टिफिकेट जमा करने का है वो है डिजिटल तरीका, जो कि आप IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए भी आप अपना डिजिटल लाइव सर्टिफिकेट स्पर्श में जमा कर सकते हैं। आप इन दोनों वीडियोस को देखें, आपको पूरा तरीका समझ में आ जाएगा, उसके जरिए आप अपना लाइव सर्टिफिकेट जमा कर दें। अब साथियों सबसे जो ईजी तरीका है जिसको हम कहते हैं कि डिजिटली और मैनुअली किसी भी तरीके से ऐसे वेटरन्स हैं जो अपना लाइव सर्टिफिकेट जमा नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सरकार ने सबसे लास्ट में सेंट मैनुअल लाइव सर्टिफिकेट डायरेक्टली टू PCDA स्पर्श। आप मैनुअल लाइव सर्टिफिकेट को ऑथराइज ऑफिशियल से साइन करवा के बाई पोस्ट PCDA को भेज सकते हैं। वो सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आदेश के अनुसार PCDA द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा और उसका प्रोसेस आप नीचे दिए गए यूट्यूब वीडियो में जान लें। अब साथियों इसी PDF में नीचे आपको कुछ एक प्लेलिस्ट दी हुई है, ये पूरी प्लेलिस्ट आपकी स्पर्श से संबंधित है। स्पर्श के साथ में कैसे काम करना है, जैसे कि मोबाइल, ईमेल, आधार, पैन कार्ड को कैसे अपडेट करना है, स्पर्श में पेंशन डाटा वेरिफिकेशन कैसे करना है, और स्पर्श की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। आपको स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है उसको कैसे चेक करना है, इसकी प्लेलिस्ट यहाँ पर है। आपकी पेंशन से रिलेटेड कुछ एक वीडियोज यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे। यदि आपको स्पर्श में लॉगिन करते समय इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड दिखाता है तो आपको क्या करना है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको कैसे क्लेम करना है, ECHS की सुविधाएं आपको कैसे उठानी है, या ECHS के जो भी लेटेस्ट अपडेट है उनकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है साथियों कि किसी भी विभाग द्वारा आपका काम नहीं किया जाता है या आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस POR या PCDA से कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है तो आपको RTI फाइल कैसे करना है, इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा वीडियो यहाँ पर लगभग 30 मिनट का यहाँ बना रखा है, जिसके साथ में आपको फॉर्मेट भी मिलेंगे। उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लें, उसमें आपको जो भी आइडेंटिकल चीज़ें जानकारी भरें वो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगवा के कंसर्न विभाग को भेज दें, आपके पास में जानकारी 1 महीने के अंदर अंदर उपलब्ध हो जाएगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्पर्श के कुछ जगह पर सर्विस सेंटर्स भी खोले गए हैं, तो उनके सर्विस सेंटर की जानकारी आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। अब स्पर्श में कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे PPO, पेंशन स्लिप, PDV डिक्लेरेशन, फॉर्म 16, उनको डाउनलोड कैसे करना है उनका तरीका जानने के लिए आप यहाँ पर इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें। स्पर्श में किसी भी प्रकार की समस्या है या आपको पेंशन से किसी प्रकार की समस्या है, आपको ग्रीवेंस रजिस्टर करना है, तो आप 12 नंबर प्लेलिस्ट को ओपन कर लें, इसमें आपको पूरे तरीके बताए हुए हैं, उसको देख के आप अपना ग्रीवेंस ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अब स्पर्श में पेंशन डाटा वेरिफिकेशन करने के बाद हम देखते हैं कि प्रोफाइल में कुछ एक डिटेल्स गलत है यानी इनकरेक्ट है, तो उनको अपडेट करने के पूरे तरीके आपको 13 नंबर प्लेलिस्ट में एडिट अपडेट इनकरेक्ट डिटेल इन स्पर्श, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको तरीके जानने को मिल जाएंगे। और लाइफ सर्टिफिकेट का मैंने आपको पहले बता ही दिया, यहाँ पे आप कंसोलिडेटेड पूरे लाइफ सर्टिफिकेट के वीडियोज़ है 14 नंबर प्लेलिस्ट में, आप इनको भी देख सकते हैं।
फिर सैनिकों से संबंधित जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है उसकी जानकारी आपको 15 नंबर प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी, और 16 नंबर प्लेलिस्ट में आपको प्री मेच्योर रिटायरमेंट कैसे जाना है। आप सभी को बताया कि प्री मेच्योर रिटायरमेंट बंद है, लेकिन किसी सैनिक को एमरजेंसी हो जाती है, उसके घर में किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, तो जो क्लोज ओपन है उसके ज़रिए आप प्री मेच्योर रिटायरमेंट जा सकते हैं, तो उसका तरीका 16 नंबर प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सैनिक समाचार इंडिया की एक स्पर्श हैंडबुक है, और उसमें क्रोनोलॉजी भी मिलेगी और स्पर्श के पांचों स्टेप कैसे परफॉर्म करना है उनका पूरा तरीका 17 नंबर प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आप इन प्लेलिस्ट को आवश्यकता अनुसार ज़रूर देखें, उनको ओपन करें, आपके सामने वीडियोज उपलब्ध हो जाएंगे, उनमें से जो भी आपको सूटेबल वीडियो लगता है उसे देखें और स्पर्श के साथ में डील करें। आखिर में एक दो जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ, सैनिक समाचार इंडिया का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल में सैनिक समाचार इंडिया द्वारा पब्लिश किए जाने वाले सभी वीडियोस को डाला जाता है, यहाँ पे आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे दो टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए हैं, आपको जो बेस्ट सूटेबल लगता है आप उसको ओपन करें और टेलीग्राम ग्रुप को चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो इस प्रकार साथियों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।